सुबह की चाय के साथ या दोपहर की चाय के साथ या कभी कभी बच्चों को कुछ स्पेशल खाने का मन करे उस समय यह नाश्ता 5 मिनट में बना करके सर्व कर सकते हैं और खाने में तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए मैंने 2 मध्यम आकार के आलू लिए हैं जिसको मैंने साफ धो करके कुकर में डाल के 3 सीटी तक उबाल लिया था, उसी में मैंने ठंडा करने दिया। उसके बाद में मैंने आलू को छील करके काट लिया है। ये हमारा आलू तैयार हो गए। इस आलू का वजन लगभग 250 ग्राम है। इसी के साथ मैंने 2 हरी मिर्ची ली है जिसको मैंने बहुत महीन महीन काट लिया है। यदि आपके बच्चे हरी मिर्ची नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पर आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, और यदि मिर्ची खाते ही नहीं आपके बच्चे तो स्किप कर सकते हैं, फिर भी ये नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अभी इस आलू को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप कोई भी मैशर से मैश कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। इसमें कोई तरह की घाटे वगैरह नहीं रहनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैं इसे मैश करके बना रही हूँ, आप चाहे तो कद्दूकस करके भी बना सकते हैं, कद्दूकस भी आराम से हो जाते हैं। इस तरह से हमने पूरे आलू को अच्छे से मैश करके तैयार कर लिया। इसी के साथ मिर्ची का तीखापन है वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए आलू बहुत ही अच्छे मैश हो गए। इस तरह से मैश हो जाना चाहिए, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं है। अभी इसमें कुछ और मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है। यदि आपके बच्चों को अदरक और लहसुन का पेस्ट पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास पेस्ट नहीं हो तो इसकी जगह पे आप लहसुन को कद्दूकस करके डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी इसमें 1/2 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं, और थोड़े से इसमें हरा धनिया डाल देते हैं जिससे नाश्ता दिखने में भी अच्छा लगे और हरा धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अभी इसमें 2 टेबल स्पून जितनी सूजी डाल देते हैं। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप मिक्सी के जार में डाल करके उसे पीस लें तो बारीक सूजी बन के तैयार हो जाएगी। अभी मैंने मैदा लिया है। इस मैदे को मैं 1-1 टेबल स्पून करके डालूंगी। तो अपना ज़रूरत के हिसाब से डालें, क्योंकि कभी कभी आलू के अंदर ज़्यादा पानी होता है तो उसमें आपको ज़्यादा मैदा डालना पड़ेगा। या कोई आलू के अंदर पानी की मात्रा कम होती है तो उसमें आपको मैदा कम डालना पड़ेगा। ये थोड़ा थोड़ा करके डालें। मैंने 1 टेबल स्पून मैदा डाला है। अभी एक बार सबको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहे तो घर में जो आटा वगैरह खाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी नाश्ता आपका अच्छा बन जाएगा। अभी 1 टेबल स्पून जितना मैदा इसमें और डाल देते हैं। मैदा कभी भी थोड़ा थोड़ा करके डालें इस तरह से। इस नाश्ते को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और ये फटाफट बन के तैयार हो जाता है। खास तौर से यदि आपके बच्चों को फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद है तो नाश्ता उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी आटा हमारा बन करके तैयार हो गया। तो आटा हमारे को इस तरह से बना कर तैयार करना, तो ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह से आटा बना करके आप तैयार करें। इसमें हमारे 2 टेबल स्पून मैदा लगा है, 2 टेबल स्पून इसमें आटा लगा है। अभी इस आटे को हम चकले के ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पर रख करके इसके 4 भाग कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इस नाश्ते के अंदर न तो हमें बेलने का झंझट है और न ही इसे कोई तरह का शेप देने का झंझट है। ये फटाफट बन के तैयार हो जाता है। इसको 4 टुकड़े देके आराम से हो गए। तो 3 को हम साइड में रख देते हैं और 1 पीस को ले लेते हैं। 1 पीस को लेकर के इस तरह से आप ले लें, हल्का हल्का इस तरह से आप चला लें। बहुत इजीली और फटाफट बन के तैयार होता है। जितना मोटा आपको रखना उस हिसाब से आप रख सकते हैं। इसको इस तरह से काट लें। बहुत इजीली कट के तैयार होगा। इसको एक प्लेट में रख देते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी किया करें। यदि पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस तरह का नाश्ता तो आप चाहे किटी पार्टी वगैरह होती है तो उसमें भी सर्व कर सकते हैं या एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। अभी इस तरह से हमने सभी बना करके तैयार कर लिए हैं। आप देख पा रहे हैं दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। इसको कोई तरह का शेप देने की जरूरत नहीं है। इसे बनाने में सिर्फ हमें 2 मिनट लगे हैं। 2 मिनट में बन के तैयार हो गए। अभी साइड में हमारा तेल गर्म हो गया है। आप कुछ छोटा सा पीस डाल करके देख लें। देखिए आराम से इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं। इस तरह से हमारा गर्म हो जाना चाहिए तेल। तो ये परफेक्ट तेल है। अभी इसमें 1-1 करके डाल देंगे। जब इसके अंदर डालते हैं उस समय तेल हमारा गर्म होना चाहिए, क्योंकि डालने के साथ ही क्या तेल थोड़ा ठंडा पड़ने लग जाता है। इसलिए गर्म तेल होना चाहिए। गर्म गर्म तेल में आप इसे डाल दें। जितना तेल के अंदर आपके आता हो उतना आप डाल दें। ये रेसिपी इतनी आसान है कोई बिगनर्स भी आराम से बना करके तैयार कर सकते हैं। आधे हमने अभी डाल दिए हैं। एक बार डालने के बाद में आँच को आप मध्यम कर लें। डालने के समय तेज रखें, बाद में आँच को मध्यम कर लें। इस नाश्ते का आराम यह है कि आप हाफ फ्राई करके ठंडा करके लीक टाइट डब्बे में भर के फ्रीजर में रख सकते हैं। जब भी आपके बच्चों को भूख लगे उस समय आप बना करके खिला सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से हाफ फ्राई हो जाते हैं। लगभग हाफ फ्राई करके आप फ्रीजर में रख सकते हैं। यदि घर में आपके पार्टी वगैरह हो तो उस समय भी आप बना करके 1 दिन पहले ही रख सकते हैं और गर्म गर्म आप सर्व कर सकते हैं। ये लाइट गोल्डन कलर आने तक हमारे को फ्राई करना है। अभी आप देख पा रहे हैं इनका हल्का गोल्डन कलर आ गया है। इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद में आप इसे निकाल लें। देखिए दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारा नाश्ता सिर्फ 5 मिनट में बन करके तैयार हो गया है।
सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सारा सामान हमारे घर में मिल जाता है। आलू भी सबके घर में होता है, मैदा भी होता है, मैदे की जगह चाहे आटा भी ले सकते हैं आप। तो आपका जब भी मन करे ये नाश्ता आप फटाफट बना करके खा सकते हैं। तो चाहे आप इसे केचप के साथ, मेयोनीज के साथ, या चटनी के साथ, या कोरा भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।